गमका मेडिकल से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं कि गमका मेडिकल में क्या क्या होता है, किस तरह से चेक होता है, क्या क्या टेस्ट करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मेरी स्किन में प्रॉब्लम है, कुछ पूछते हैं मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है, कोई कुछ बताता है, कोई वेट ज़्यादा कम। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गमका मेडिकल में एक्चुअल में क्या क्या होता है और आपको किस किस चीज़ के लिए तैयार रहना है, तब आपका गमका मेडिकल फिट हो पाएगा। तो छोटा सा वीडियो, इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको पूरा देखना है, एंड तक देखिए। मैं आपको एंड तक सारी ऐसी डिटेल्स बताऊंगा जो गमका मेडिकल करते वक्त आपके बहुत काम आएंगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे अगर आप ट्रैवल या वर्क पर्पज से बाहर जाते हैं तो आपके लिए बहुत काम आएंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। GCC ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैं हर अपनी गमका से रिलेटेड वीडियो में बताता हूँ, गमका मेडिकल सेंटर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी गल्फ कंट्रीज़ के मेडिकल ऑफिशियली करती है हर देश में। इसमें कतर उनको अलग कर चुका है क्योंकि कतर GCC से हट चुका है, कतर के एक अलग मेडिकल सेंटर है जो अलग है। तो जो सऊदी, ओमान, बहरीन, दुबई, कुवैत, ये कंट्रीज़ आती हैं GCC लाइनअप में। जो लोग इन कंट्रीज़ में जाएंगे वो गमका मेडिकल सेंटर में ज़रूर जाएंगे मेडिकल कराने, जिसका पूरा प्रोसेस मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके वो स्लिप लेके जाना पड़ता है मेडिकल कराने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को हम, कि आपका मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। जिस तरह के मुझे कॉमेंट्स आए कि मुझे स्किन में प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो वो कभी भी आप मेडिकल में जाने से पहले जज नहीं कर सकते कि आपके मेडिकल में वो ऐसा क्या बता दें जो आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेडिकल के जो स्टेप्स हैं वो जानने होंगे। किसी से या तो आप हमारे वीडियो में पता चल जाएगा, या किसी अगर कोई पहले गमका मेडिकल करा के आ चुका है वो भी आपको अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरह आपको गमका मेडिकल जो है होता है आपका गमका मेडिकल सेंटर में जाने के बाद। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि गमका मेडिकल के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल बॉडी चेकअप होते हैं। फुल बॉडी चेकअप में उनके क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है एक्सरे। एक्सरे एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब गल्फ कंट्रीज़ वाले जो लोग हैं वो छोटे से छोटे निशान को भी एक्सरे में बहुत सीरियसली लेते हैं। बहुत से लोग एप्लीकेंट होते हैं, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे चेस्ट पे कोई निशान नहीं है, क्योंकि वो बाहर अगर मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो बिल्कुल क्लियर बताता है डॉक्टर, क्योंकि वो पैसे लेके बताता है। लेकिन गल्फ कंट्री के GCC ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल सेंटर यानी गमका में आप जाएंगे तो वो पूरा सही से चेक करेंगे और देखेंगे कि अगर छोटा सा भी डॉट है तो उसको अनफिट में डालेंगे या दवाई में बोल देंगे कि 7 दिन की दवाई खा कर आओ ताकि आप वो ठीक करके आओ, तभी आपको वो सब क्लियर हो और आपका मेडिकल फिट हो। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आपके अगर आप कभी भी मेडिकल करा रहे हैं तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको पहले प्री मेडिकल कराना है। एक प्री मेडिकल आपको बचा सकता है। प्री मेडिकल भी गमका सेंटर से कराना है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैंने बाहर कराया बिल्कुल ठीक है, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वो बेवकूफ़ नहीं बना रहे, उनको गवर्नमेंट ने जो काम दिया है वो काम कर रहे हैं। अगर उसमें छोटा सा भी इफेक्ट होगा, आपके एक्सरे में कुछ गड़बड़ होगी, तो उसे माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कहा गया है इस तरह से, वो अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको वो वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो आपके, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन उनके लिए वो प्रॉब्लम है अगर छोटा सा भी चेस्ट में निशान है। तो ये तो है एक्सरे की बात। दूसरा आता है ब्लड। ब्लड में शुगर, माइक्रोफ्लेरिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये क्यों आती हैं ये मैंने वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। अभी मेरे पास कमेंट इतने फ्रीक्वेंट आ रहे थे इन चीज़ों के कि हमारे आँख में प्रॉब्लम है, हमारी स्किन में प्रॉब्लम है, हम ऐसे करें वैसे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो जिन लोगों को भी मतलब ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोस्टली जितने भी रूरल एरियाज से लोग आते हैं लेबर वर्क में जाने के लिए, हेल्पर, लेबर, ड्राइवर, कुक, जो भी है, तो वहाँ पर मिनरल वाटर का शायद यूज़ कम होता है। डॉक्टर यही बताते हैं कि जब भी आपको डॉक्टर दवाई खाने के लिए बोलेगा ब्लड की प्रॉब्लम है, तो वो यही कहेगा मिनरल वाटर और नारियल पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो ताकि आपका ब्लड साफ़ हो और दवाई भी असर करे। और आप जो है जल्दी से 20 दिन की दवाई देते हैं या इससे ज़्यादा की जो भी है, तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं, उसके बाद आपको ब्लड में भी फिट कर देते हैं। ये एक्सरे और ब्लड बहुत मेन चीज़ है। उसके बाद की चीज़ें आती हैं आई साइट, कलर ब्लाइंड और स्किन प्रॉब्लम। स्किन में वो भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी सी स्किन प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। जैसे अभी किसी का कमेंट आया था कि स्किन में अगर हमारे छोटा सा निशान है तो ठीक, तो उसको इग्नोर करते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर स्किन में आपके ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी हुआ हुआ है जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपके थ्रू दूसरे देश में जाके और लोगों को भी वो बीमारी फैल सकती है, तो उसके लिए वो वहीं स्टॉप कर देते हैं, उसकी दवाई चलाते हैं, ठीक होता है तो फिट करते हैं। तो पूरा एक सिस्टमेटिक चीज़ें हैं जो GCC गमका जो है देखता है इन चीज़ों को।
तो इसमें हमारे सबसे पहले ब्लड, एक्सरे, आई साइड, उसमें कलर ब्लाइंड होता है, और इसमें ब्लड में भी बहुत सारे ऑप्शन है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, और आपका माइक्रोफिलेरिया, जो जो चीज़ें हैं वो सब बहुत डीपली, और भी चीज़ें हैं जो चेक होती हैं। इसके अलावा आपका बॉडी वेट, बॉडी वेट ज़्यादा कम तो नहीं है, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपकी आंखों में लेंस तो नहीं लगे हुए, वो आपका आंखों का टेस्ट करें, और आपके लेंस लगे हुए हैं तो वो उतारने होंगे आपको, अगर आप लेंस पहन के जा रहे हैं। आपके विक तो नहीं लगा हुआ, विक के अंदर कहीं सर में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ, ये चीज़ें भी वो देखते हैं गमका में, अगर नज़रों में आ जाए तो। कुछ लोग विग लगा के चले जाते हैं तो फिर वो विग उतरवाते हैं कि आपके सर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इस चीज़ को बोलते हैं बॉडी एग्जामिनेशन। एक डॉक्टर अलग से बॉडी एग्जामिन करते हैं, दबा दबा के देखते हैं पेट को और आपकी बॉडी को देखते हैं, पूरा स्कैन करते हैं, ताकि आप जो है सही से उनको दिख जाएँ कि भाई इनकी बॉडी में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था फुल बॉडी टेस्ट होता है गमका मेडिकल, तो उसमें आपको हर तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें हाइड्रोसील का भी टेस्ट होता है, इन्फेक्शन का भी टेस्ट होता है, HIV का भी टेस्ट होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे टेस्ट होते हैं, ये 5-6 काउंटर से आपको होकर 5-6 रूम में गुजरना पड़ता है इन सारे टेस्ट के साथ, उसके बाद आपकी रिपोर्ट आती है। तो एक छोटी सी चीज़ नहीं है, हर चीज़ में आपको अपना 100% देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप पहले प्री मेडिकल कराएं, प्री मेडिकल कराने के बाद आपका सीधा सीधा क्लियर रिजल्ट आएगा, उसमें जो जो कमियाँ उसको दूर करो, फिर पक्का मेडिकल कराओ। तो यही एक ऑप्शन है आपके मेडिकल को फिट करने का, और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब गमका मेडिकल में किया जाता है शुरू से अब तक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर ये वीडियो पसंद आई, इस तरह की और वीडियोस बनानी है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करके बोल भी सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो में कुछ और जानना हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल।